प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स। वेलकम फ्रेंड्स, अभी आपने कमेंट किया था हमें कि बीकॉम पार्थर का एस्थेटिक्स का है, आपने जो है ये बुक, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बुक बीएन गुप्ता राइटर्स की है और ये क्वेश्चन नंबर आपने 17 का है सर, सॉल्व करके दीजिए। इसमें आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ मीन, क्योंकि हमने आपको शुरू से पढ़ाया नहीं है, आपका सिर्फ ये कमेंट है, तो थोड़ा सा फिर भी हम बैक जाना चाहेंगे। यहाँ क्लास लिखेंगे हम, यहाँ एम बी लिखेंगे हम, ये सी एफ लिखेंगे हम, फिर यहाँ पर एफ लिखेंगे हम, फिर यहाँ पर जो है एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। आइए, तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है लेस देन, क्या दिया हुआ है लेस देन। तो जब हम आपको थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं, जब भी क्वेश्चन में लेस देन या मोर देन दिया रहे ना, तो वो जो है ना एफ नहीं होके सी एफ होता है। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, सी एफ का मतलब होता है कंज्यूम फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संचयी आवृत्ति या फिर संचयी बारंबारता। तो क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है 17 नंबर में 10, 20, 30, 40, लास्ट में 90 है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये लेस देन है, मतलब डिफरेंस कितने का है, 10 का है ना। यहाँ लिखेंगे हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। आगे क्वेश्चन में जब भी लेस देन या मोर देन दिया रहे, तो फ्रीक्वेंसी नहीं होता है बल्कि कंज्यूम फ्रीक्वेंसी होता है। ये सी एफ दिया हुआ है 5, 15, 98, 242, 367, 405, 425, 438, 439। अब हम क्या करेंगे, इस सी एफ से हम एफ निकालेंगे, ये 5 का 5 हो जाएगा, 5 में घटाएंगे हम, 10, 5, 15 होता है, 5, 3, 8, 1, 8, 9, 83 हो गया, फिर घटाएंगे हम 8, 4, 12, 9, 10, 4, 14, हाँ इसीलिए 144 हो गया, फिर इसको इसमें घटा देंगे हम, 2, 5, 7 होता है, 4, 2, 6 होता है, 2, 1, 3, फिर इसको घटाएंगे हम, 7, 8, 15, 6, 7, 3, 10, 3, 1, 4, 38 हो गया, 405 घटाएंगे 425 में तो 20 हो जाएगा, ये 5, 3, 8, 2, 1, 3, 13 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको एम भी निकालना है। एम भी आपको पता ही होगा, ये जो क्लास होता है ना, 0 से 10 दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भागा लगा देंगे, तो ये 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, 25, 35, 45, 55, 65, 75, जितने का डिफरेंस होता है उतना तो हम क्या करते हैं, प्लस करते जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इतना तो आप पढ़े हुए मेरे ख्याल से, एम भी कैसे कैसे निकालते हैं, राइट। अब थोड़ा सा हमको इसमें समय लग सकता है गुणा करने का, ठीक है ना। चलिए, तो एम भी को ही हम एक्स बोलते हैं। अब क्या करना है, इस एक्स को एफ से गुना कर लेना, जिसको हम एफ एक्स बोलते हैं। 5 गुना 5 ये 25 हो जाएगा, 15 गुना 10, 15 में 150 होता है, 25 गुना 83 तो 25 या 75, हाँ से 7 आ गया, 25 अठा 200 प्लस 7 तो 207 आ गया, ठीक है। 35 गुना 144 तो ये 35 गुना 144, 4 पंचा 20, 14 पंचा 70, 2 72, 4 3 12, 4 3 42, 1 43, 0 2 2 4, 7 3 10, 4 1 5, 5 4 40, ठीक है।
इसी तरह से आपको इधर गुना करना है 45 गुना 125, तो 125 गुना 45, 25 12 पंचे 60, दो 62, 4 पंचे 20, बढ़ चुका 48, दो 50, तो ये 500 हो गया, 5 2 6 5 5625, 5625। फिर 38 गुना 55 करना है आपको, तो आइए 38 गुना 55, 8 पंचे 40, 5 दिया 15, 4 19, 190, 099, 10, 20, 90, 65 गुना 20 करना है, तो ये 65, 15, 17, 12, 13, 1300 हो जाएगा, 65 दुना 130 होता है, ये 1300 हो जाएगा, 13 गुना 75, तो 13 पचे 65, 6 13 सतह 91, 91 6 97, 85 गुना 1 85। चलिए अब इसको जोड़ लेना है, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, हासिल 2 2 4, 5 9 7 16, 4 20 2 22, 9 31, 31 7 38, 38 8 8 16 46, 4 1 5, 6 11, 11 3 14, 14 9 4 13 23, 2 2 4, 5 9 5 14, 2 16 1 17, 17। दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, हासिल 2 2 4, 5 9 7 16, 4 20 2 22, 22 9 31, 31 7 38, 38 31 7 38, 38 8 46, 4 आ गया, 4 1 5, 6 11, 11 3 14, 14 9 4 13 23, हासिल 2 1 3 2 5, 5 10, 5 15 2 17, ठीक है। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, और एफ के जोर को बोलते हैं एन। इसको जोर लेना है, 5 3 8, 4 12, 5 17, 3 20, 1 21, 21 8 29, हासिल 2 आ गया, 2 1 3 8 11, 11 4 15, 2 17, 3 20, 2 22, 1 23, हासिल 2 आ गया, 2 1 3 1 4, 439 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है माध, क्या निकालना है, माध इसका होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन, ये हो गया सिग्मा एफ एक्स है 17,365, एन का मान है 439। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भागा दे देंगे, क्योंकि सबके पास कैलकुलेटर होता है, यदि फिर हम अपने से भागा देंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, जितना होगा वही आपका आंसर आएगा, इसमें कोई शक नहीं, आपका आंसर आ जाएगा 100% आएगा, आप करके देखेंगे। चलिए ये था हमारा लेस देन से माध निकालने का नियम, माध निकालना था, हमने निकाल कर दिखाया, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, दोबारा रिप्ले कर लेते हैं। लेस देन दिया हुआ, जब भी लेस देन या मोर देन दिया रहे तो ये एफ नहीं होकर सी एफ होता है, सी एफ से एफ निकालना होता है, फिर जो है ना, जिसे लेस देन दिया 10 से कम। चलिए ये आता है 39.555, तो अप्रोक्स लेके 39.56। चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा स्टेटिस का, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थोड़ा सा समय लग गया बिकॉज मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, हम इस्तेमाल भी बहुत कम करते हैं, नहीं करते हैं, तो इसलिए अपने से गुना भाग करने में समय लगता है, और कोई बात नहीं है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक्स।